फैसला आपका, आंकड़े हमारे, और इसके साथ साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। काशी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो खत्म हो गया, रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे के साथ रोड शो खत्म तो हुआ। कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन काशी में मोदी के रोड शो का असर पूर्वांचल में बड़ा हो सकता है। पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत के समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर इस रोड शो को देखा जा रहा है। साथ ही विपक्षी हमलों की धार को कम करने की कवायद भी मानी जा रही है। आज इसी मसले पर इंडिया न्यूज ने एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें जनता की राय को आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्या कहती है काशी। मोदी हमार, काशी हमार, चहुं ओर जय जयकार, स्वागत में खड़ा रहा काशी, अभिवादन करता रहा वाराणसी। शहर का कायाकल्प करने वाला आया, गंगा की लहरों ने सिर आंखों पर बिठाया। मोदी आए, महामना की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देने वाली महान शख्सियत का अभिवादन किया और फिर रथ पर सवार हो गए। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और पीएम मोदी का रथ सारथी योगी आदित्यनाथ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर गया। दोनों तरफ जो भीड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूंगा, ये देखिए किस तरीके से पब्लिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पीछे जा रही है, भाग रही है। दोनों तरफ महिलाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही हैं, उनके ऊपर गुलाब छिड़क रही हैं और उनके सम्मान में गीत गा रही हैं। आप सुनने देखिए किस तरह से हर हर महादेव का नारा लग रहा है, इसका एम्बियंस आवाज सुनाई पड़ी होगी, क्योंकि मोदी इस बार तीसरी बार जो है यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बनारस की जनता से बड़ी अपेक्षाएं हो गई हैं। रोड शो में उमड़ा सारा शहर, पीएम को देखना चाहते थे एक नजर। पीएम मोदी का रथ पग पग कर आगे बढ़ता रहा, पीएम मोदी काशी वासियों का अभिवादन हाथ हिलाकर करते रहे। कोई बुजुर्ग दिखा तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, बच्चे ने मोदी मोदी पुकारा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर कर दुलार छिड़कते रहे। पीएम के इसी स्नेह, इसी दुलार पर काशीवासी बेशुमार प्यार उड़ेलते रहे। मुस्लिमों ने बरसाए पीएम पर फूल, सर्वधर्म को पीएम मोदी कबूल। मोदी के काफिले में हर पल नया रंग दिखाई देता रहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर रहा, आम लोगों के मन को पीएम के दीदार से सुकून मिला था। मुस्लिमों ने गुलाब के फूल बरसाकर बता दिया कि जीत का मार्जिन पहले से भी बड़ा होगा, और सर्व समाज ने संदेश दे दिया कि मोदी के मुकाबले हिंदुस्तान में कोई कहीं नहीं खड़ा होगा। मुमुक्षु भवन पर पीएम मोदी के स्वागत में सन्यासी और पटुकों ने पुष्प वर्षा की। 80 चौराहे पर कबीरवाणी भजनों से पीएम का सत्कार किया गया। शिवाला पर गुरुकुल की छात्राओं ने हाथ जोड़कर पीएम को नमस्कार किया। महामना चौक के करीब भरतनाट्यम नृत्य से पीएम के कामों को सराहा गया। संत रविदास द्वार पर सर्व समाज ने अभिवादन किया और मदनपुरा पर बिस्मिल्ला खान के वंशज ने मंगल शहनाई बजाकर पीएम मोदी को काशी की तरफ से जीत पक्की होने का प्रमाण दिया। प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी का रोड शो है और हम मदनपुरा में इसमें मौजूद है, तो कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। भाई साहब, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है आपके मदनपुरा से होकर चलेगा, किस तरह से देखते हैं? अरे बहुत अच्छा देखते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हम उसका स्वागत के लिए अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए हैं, सारा सब लोग सपोर्ट में है, फूल माला बरसाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि हमारे हमको जाना नहीं पड़ा, वो हमारे इधर पे आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या है। लोग कहते हैं कि बनारस सांसद नहीं चुनता, प्रधानमंत्री चुनते हैं। बिल्कुल, आप देखते ही हैं 10 साल से। आप बताइए कि टेबल बेचने आता है वो भी बोलता है 400 का, फिर वो 150 का दे के चले ही जाता है। अच्छा, जब टेबल बेचने आता है तो 400 चिल्लाता है, फिर 150 रुपये का दे के चला जाता है। क्या कहना चाह, मतलब हम क्या कहें, उसका मतलब क्या? कुछ बोलोगे भक्त चिल्लाएंगे, कुछ बोलना ही बेकार है। सच्चाई यहाँ पे सच्चाई नहीं बोल सकते। देखिए, इलाका है मुस्लिमों का, यहाँ से मोदी जी का काफिला गुजरेगा, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से पूरे माहौल को देख रहे हैं आप? माहौल तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन बनारस का जो है बुनकर समाज बहुत परेशान है। यहाँ से 2.5 लाख लोग यहाँ से बेंगलोर, सूरत और भी जगह चले गए, यहाँ कारोबार एकदम नहीं चल रहा है, एकदम ठप पड़ा हुआ है।
कम से कम 50,000 पावर लूम आज की एनी टाइम में बंद है हमारा। पर्यटक यहाँ पर बढ़े हैं और पर्यटक के बाद जैसे देखा जाए तो व्यवसाय भी बढ़ा है, साड़ियों का व्यवसाय। बात है कि पर्यटक तो बढ़ा हुआ है, साड़ियों की दुकान ज्यादा से ज्यादा खुली हुई है, उसके बावजूद भी इतना मंदा कि साड़ियाँ बिक नहीं रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए तमाम लोग हैं, अपने अपने विचार हैं, एक बार हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए ये मदनपुरा का इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहीं से ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो का काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महामना से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचेंगे तो ये तस्वीर बेहद खूबसूरत होगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ सवाल जो हमने लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय दी, खासकर तब जब आज प्रधानमंत्री काशी पहुंचे। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के काशी वाले रोड शो का बाकी चरणों के चुनाव पर भी असर दिखेगा? 80% लोगों ने कहा कि हाँ असर दिखेगा, 19% लोगों ने कहा असर नहीं दिखेगा और 1% ऐसे लोग थे उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। चर्चा कर लेते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी हैं, अजय वर्मा कांग्रेस नेता हैं, हिमांशु भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, तीनों से हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सबसे पहले मैं पहुंचता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा साहब के पास, क्योंकि उसका जवाब फिर मुकेश त्यागी देंगे। तो अजय साहब, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में बड़ा रोड शो किया है, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी के चरणों के चुनाव हैं इस रोड शो का असर उस पर दिखाई देगा, आसपास की 12 सीटों पर असर दिखाई देगा, आप क्या मानते हैं? देखिए तो अच्छी बात है कि कोई भी अपने दल का नेता हो, चाहे ए पार्टी का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, ई का हो, उसका दायित्व ये बन जाता है कि अपनी पार्टी को किस तरह से जिताए और रणनीति बनाए। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और पार्टी के वन मैन शो हैं, क्योंकि वहां पार्टी छोटी है और आदमी बड़े हैं जी। बाबा विश्वनाथ की जय। हम तो भोलेनाथ से यही अनुरोध करेंगे कि भोलेनाथ इस रोड शो में और अपनी नगरी पर सद्बुद्धि प्रदान करें सब लोगों को, और जो ये माहौल आजकल हॉट स्पीच का झूठ का चल रहा है इसको बंद करें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, और लोग क्योंकि चैनल जब मेरा रोड शो अगर होगा तो मेरे चारों तरफ मेरे ही लोग होते हैं, आम जनता के लोग, तो बता दिए जाते हैं उन्हें। जैसे अमित शाह की एक रैली में आज रायबरेली में जब कुछ 50 महिलाओं को ये दिखाने का प्रयास किया गया कि साहब हमको इतने पैसे में लाया गया, और वो पत्रकार से कहा, शुक्ला था पत्रकार, कि साहब ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो नहीं माना तो भाजपा के कुछ गुंडे उठा के उसे कमरे के पीछे ले गए, पूरे अखबारों में पूरे चैनलों पर चल रहा है, उसको इतना मारा है वो हॉस्पिटलाइज है ताकि ये वीडियो मत दिखाइए। तो रैली की असलियत ये पता चल गई कि कैसे खुली है, क्या खुली है। अभी तो भाई अमित शाह जी जाने या उनके कार्यकर्ता जाने कैसे रैली कर रहे हैं, लेकिन इसका असर देखिए देश के व्यापार पे नहीं पड़ने वाला, लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। इवेंट मैनेजमेंट आप अच्छा कर सकते हैं, जब इवेंट मैनेजमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम का या रैली का, फूल वाले भी बुलाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सारे लोग अवेलेबल होते हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, बहुत सारे लोग कलाकार पेड होते हैं वो पैसे से आते हैं, बहुत से लोग कुछ खरीद जाते हैं, बहुत से कुछ अपने आप भी चढ़ाते हैं। वर्मा साहब आप भी कर लो इवेंट मैनेजमेंट से, अगर देश की सरकारें बन रही होती तो आप भी कर लो, सरकार बन जाएगी, सरकार में आ जाओगे आप बेचैन तो ना होइए, सुन लीजिए मैं पूरा कर दूं, जवाब आऊंगा पूरा, 1.5 मिनट सुना आपको मैंने, और सुन लीजिए 10-30 सेकंड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस पर किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन से लोग घबरा गए और नए नए तरह के प्रोपोगंडे और पॉलिटिकल विंडेटा लेकर भगवान की नगरी में भी बताइए इवेंट करने की क्या जरूरत है। वो तो दुनिया के रखवाले हैं, दुनिया को देते हैं, वही हमें दे रहे हैं, वही हमें देंगे। भगवान शिव के आराध्य, भगवान राम के आराध्य देव है भगवान शिव का और भगवान राम का हमें आशीर्वाद है, हमें काशीवासियों का भी आशीर्वाद है और देश के 97 करोड़ मतदाताओं का भी आशीर्वाद है। इस बार जो इनका नारा है अब की बार 400 पार, ये वो नहीं है। चलिए मुकेश त्यागी साहब जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए ऐसा है, पहले मैं समझता हूँ कि आज मैं बनारस में, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े सैलाब, जन सैलाब, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक प्रतिष्ठा है उसको प्रतिबिंबित करती है। बनारस के लोग उनसे बिल्कुल जैसे भाव विभोर होकर के उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो तीसरी बार लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि राहुल गांधी जी रणछोड़दास है, उन्होंने अमेठी छोड़ करके वायनाड का पकड़ा, फिर अभी रायबरेली चले गए,
तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं बिल्कुल स्तंभ की तरह से अपने बनारस वासियों के लिए लगातार समर्पित है। अब लगा रहे हैं दो चार इल्जाम, तो मुझे तो इनपे एक शेर याद आ रहा है, चमन को सीते में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। ये इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। तो ये इन लोगों ने देश को लूटा है, यहाँ भ्रष्टाचार की दुकान खोली है, तुष्टिकरण की दुकान खोली है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बार बता दूं, भारत की राजनीति को पुनर् परिभाषित कर रहे हैं, एक ऐसी परिभाषा दे रहे हैं जो देश के कल्याण के लिए है, देश के गंतव्य के लिए, देश के मुस्तकबिल के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी, इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई थी, तुष्टिकरण की दीमक लगी हुई थी, जिस प्रकार से यहाँ पर तुष्टिकरण के नाम पर शाहबानो केस को उल्टा किया गया राजीव गांधी द्वारा, किस प्रकार से सनातनी होते हुए भी हमारे देश में, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया, पर आपकी भावनाओं को समझते हुए सर्वे का एक और सवाल मैं ले लेता हूं। और सर्वे का जो दूसरा सवाल है वो सवाल है कि मोदी और काशी के संबंध में आप कैसे देखते हैं, दोनों के संबंधों को आप कैसे देखते हैं। 34% लोगों ने कहा भावनात्मक संबंध है, 19% लोगों ने कहा काशी का कायाकल्प हो गया है, 37% लोगों ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के विकास का आदर्श है, और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हिमांशु भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहला सवाल भी हिमांशु जी आपने देखा और सवाल दूसरा भी आपने देखा, इस पर आपकी राय चाहती हूं। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसे तो इवेंट मैनेजमेंट बता दिया हमारे मित्र अजय वर्मा साहब ने, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है तो वो क्या है, इस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए भैया, ऐसी बात है कि अंगूर खट्टे होते हैं वो तो आपने सुना है, मगर जब अंगूर हाथ में नहीं आते तब अंगूर खट्टे हो जाते हैं। मगर अगर आप अंगूर को खाना ही नहीं चाहे तो उसे क्या करेंगे। आज तो एक ही दिन के अंदर नरेंद्र भाई ने तो दो बातें बहुत उजागर कर दी, मानव सेवा ही जनसेवा है, उन्होंने सुबह में पटना साहिब में पुरवार कर दिया, उसके द्वारा उन्होंने पंजाब के चुनाव में पूरे सिख समुदाय को एक सीधा मैसेज दे दिया, और शाम को बनारस में रोड शो कर दिया। अभी रोड शो के अंदर जिस श्रद्धा से, जो भावना से बालकनी में खड़ी हुई महिला आरती उतार रही है नरेंद्र भाई के ऊपर, उसको क्या कहेंगे आप। भावनात्मक जुड़ाव, भारत की प्रजा का भावनात्मक जुड़ाव कैसे होता है, अगर इसको आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं तो खैर ये इवेंट मैनेजमेंट है, जो इनको करना नहीं आया, दो बड़ी बड़ी यात्राएं की उन्होंने, मगर फिर भी भावनात्मक तरीके से लोगों से जोड़ नहीं पाए। देखिए, स्टूडियो में बैठ के बात करना बहुत सही सीधी सी बात है, मगर हम जैसे पत्रकार जो 30 साल से पूरे देश के अंदर घूम के बता रहे हैं कि लोग कहाँ जुड़ते हैं, लोग कहाँ टूटते हैं, जब इसकी बात आप करोगे और समझोगे, आप अमेठी में हो, वायनाड भाग जाओगे, वायनाड से वापस अमेठी नहीं आओगे, रायबरेली चले जाओगे, आप जाके कहोगे कि ये तो मेरी माँ का और दादी का जगह है, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो क्या पहले आपको पता नहीं था, क्या पहले रायबरेली आपकी दोनों माओं की जगह नहीं थी, अमेठी क्यों चले गए थे, वहां के लोगों को क्यों गुमराह किया आपने। देखिए, भावनात्मक तरीके, जैसे काशी से लोगों का नरेंद्र भाई का क्या जुड़ाव है, काशी से नहीं साहब, काशी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ाव है, पूर्वांचल की 12-14 सीटें नहीं, ये अभी आने वाले 5वें, 6वें और 7वें फेज में हर एक सीट के ऊपर लागू होगा। सुबह में आपने पटना साहिब का रोड शो देखा, पटना का गुरुद्वारा के दर्शन हुए हमें, शाम को हमें काशी विश्वनाथ दिख गए, बाबा दिख गए। अभी ये तो सबकी श्रद्धा है ना, सब सनातनी मानते हैं, सब हिंदू मानते हैं काशी विश्वनाथ को, वाराणसी को, कोई कहेगा मेरे कण कण में है, कोई कहेगा हमें तो काशी भी चाहिए, मथुरा भी चाहिए, अयोध्या भी चाहिए, मगर इस बात को तो कोई जुटला नहीं सकता ना। तो ये आस्था, मनोरथ जिसको कहते हैं, मानवीय मनोरथ आस्थाओं से पनपते हैं, और जब आस्था हमारे साथ होती है
तब एक विश्वास आता है। आस्था हमारे साथ होती है तो एक विश्वास आता है, और वो विश्वास इस वक्त दिखाई दिया जिसका जिक्र हिमांशु भट्ट साहब कर रहे थे कि साहब महिलाएं अपने खिड़की पर खड़ी हुई हैं और वहीं से आरती उतार रही हैं। ये आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ एक एक जीता जागता उदाहरण है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसका जवाब फिर हम अजय वर्मा साहब से पूछेंगे। वर्मा साहब तैयार रहिएगा। और सर्वे का वो सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव एक अकेला मोदी बनाम ऑल बन गया है? 84% लोगों ने कहा हाँ, 15% लोगों ने कहा ना, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। अजय वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, और मैं ये भी एक आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर देश का नेता वही होता है जो देश के लोगों की नब्ज को समझता है, और देश के लोगों की नब्ज कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, विपक्षी पार्टियां नहीं समझ पा रही, तभी तो सत्ता में नहीं आ पा रही है। क्योंकि सत्ता में वो तब आ पाएगी जब देश के लोगों की नब्ज समझेगी। नब्ज को अगर समझ लेगी तो स्वाभाविक तौर पर वोट आपके पास आ जाएगा, वोट आपके पास आ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर आपको सीटें मिल जाएगी और आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। लेकिन हो किसके साथ रहा है? ये हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, एक बार धोखे में हो सकता है, दो बार धोखे में हो सकता है, बार बार तो धोखे में नहीं हो सकता। अगर गुजरात से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में आ गए तो चुन लिए गए, फिर 19 में भी चुन लिए गए, और अंतर कितना ज्यादा है आप भी देख रहे हैं। चाहे वो बनारस की सीट पर हो या उत्तर प्रदेश में जितने भी सीटों पर चुनाव हो, इस पर आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश के जनता की नब्ज को समझने में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में भूल हो रही है, इसलिए मोदी बनाम अदर्स हो गया है। सवा मिनट में आपका क्वेश्चन था तो ढाई मिनट तो मिलने ही चाहिए लोकतंत्र में। ले लिए, चल दीजिए, संतुष्ट कर दीजिएगा, लेकिन देश की जनता को, दर्शकों को। लेकिन देश की जनता को ये भी तो मैं बताऊं कि कार्तिकेय शर्मा जी के चैनल पर 3+1 का जो वो आपका वो चैनल है, ये पैनल है 3+1 का जी। अगर आप तो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और बड़े योग्य वोकल हैं, और जब वोकल होती है, आवाज होती है, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा न्याय यात्रा वाला, अगर ये भाजपा के प्रवक्ता पूछते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता मुझे कि भाई चलो उनका क्वेश्चन था। आपके तो और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। आपने इवेंट मैनेजमेंट कहा तो मैंने कहा भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा क्या थी। हाँ, तो अब मैं यही तो बताने जा रहा हूँ। हाँ, बताइए। अभी हमारे हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अजय राय जी एक इंटरव्यू दे रहे थे चैनल पर। हाँ। उन्होंने बताया आज एक पेपर में कि एक बट ब्रेक्स था काशी में, यही जहाँ कॉरिडोर बना बहुत बड़ा, हजारों साल पुराना, उसको जो है देश की सरकार के आदेशों पर आरी से कटवाया गया, जिसमें सैकड़ों देवता वास करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा काशी के संत कह रहे हैं, काशी के नागरिक कह रहे हैं। कई मंदिरों को वहां डिस्ट्रॉय किया गया और जिसकी जगह कॉरिडोर बनवाया गया। पुराने मंदिर थे, पुराने मठ थे, पुराने पीठ थे, उनके इंटरव्यू आप तक पता नहीं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। तो कई वीडियो आपको भेजवा तो उन्हें भी तो दिखा दीजिए कभी। खैर, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा है भाई, ये तो इनकी अपनी अपने तरीके हैं भक्ति के। हिटलर की अपनी तरीके थे पूजा करने के, और साहब के अपने तरीके हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये अब की बार 400 नहीं 500 पार हो जाएं। धौर हरा में आज एक वीडियो घूम रहा है टीवी पर कि एक आदमी गया, उसने अपना बूथ नंबर भी बताया चुनाव आयोग को, और अपना नाम दिया, अपनी आइडेंटिटी दी, अपना बूथ नंबर, और कहा कि मैंने बटन दबाया साइकिल के ऊपर और वो वोट जा रही है कमल के ऊपर, चुनाव आयुक्त महोदय मेरा इसका संज्ञान लें। लेकिन चुनाव आयुक्त महोदय पूरे देश को पता है कि किस अंदाज में किसके लिए काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं जब अपने नियम भूल जाती हैं तो देश के लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। और देखिए, अपोजिशन का काम और लोगों का काम है क्वेश्चन पूछना, और सरकार का काम है जवाब देना। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सरकार अपोजिशन से सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह जी राहुल गांधी से 5 सवाल बता दीजिए, मोदी जी आप पूछ रहे हैं सवाल दीजिए। भाई 10 साल में आपने कुछ करा हो तो कम से कम अपने उन सवालों के बारे में जो कांग्रेस ने एम्स बनवाए उनमें जाके अपनी जांच करा लीजिए कि सवाल पूछने किसे चाहिए, किस चीज की चाहिए। दूसरा, अजय वर्मा साहब, जब ईवीएम की क्लीनिंग होती है तो जो डीएम होता है वो हर राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को बुलाता है, उनके प्रतिनिधि को बुलाता है, उनके सामने डेमो होता है, और हर राजनीतिक पार्टी का आदमी वहां पर मौजूद होता है। मुझे बताने तो दीजिए जरा सा, मैं यही बता रहा हूँ, फिर आप एक साथ बता देना जी। हम घर पर बैठे हैं, हमारा बैंक अकाउंट सबसे सेफ माना जाता है, एक उदाहरण सुन दीजिए, और हमारा पैसा वही दूसरे सिस्टम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर मेरी सहमति से या मेरी इनसहमति से, या बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, जांच कर रही है पुलिस, जो ही ट्रांसफर हो जाता है। तो वोट तो बहुत छोटी चीज है, और दौर रहा का उदाहरण, जब तक आप अपना पासवर्ड नहीं बताओगे वो भी तो पूछेगा ना आपसे कि आपके पास ओटीपी आया होगा, जरा ओटीपी बताइए। बहुत सारे लोग ओटीपी बता देते हैं, और ओटीपी बताया इजराइल का,
इजराइल का जो पेगासिस आया था, हमारे कितने मधुर संबंध हैं, और जितने बड़े बड़े हैकर्स इसराइल के देश में मशहूर हैं, तो वो सब काम कर सकते हैं, इसलिए इस पे कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जनता ये मन बना चुकी है कि सरकार से काम के बारे में पूछा, सरकार से महिलाओं की सुरक्षा, बलात्कारियों को बचाने के बारे में पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द करा गया आज तक, प्रज्वल देवन्ना का, प्रधानमंत्री का जो दत्तक पुत्र है वो, और हाथ पकड़ के और ये कहा था कि ऐसे बलात्कारी एमपीओं को जिताइए, उसको अरेस्ट करके क्यों नहीं बुलाया अगर वो किसी अपोजिशन का होता। इसका जवाब तो मुकेश त्यागी देंगे। आपको ढाई मिनट दे दिया मेरे घड़ी देख के, आपको घड़ी देख के ढाई मिनट दिया मुकेश त्यागी साहब, जवाब दे दीजिए। आपका धन्यवाद धन्यवाद। देखिए देखिए दिक्कत देखिए केजरीवाल को बंद कर देंगे, फौरन को बंद कर देंगे जेल में। ये देखिए ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए राणा जी, आप बोलिए, अब आप मुझे बोलने दीजिए, आपको ढाई मिनट के आपको पूरा प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। त्यागी साहब हम आपका ही सुन रहे हैं, आप अपनी मधुर वाणी से बोलेंगे अच्छा लगेगा, बोलिए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस विशेषण से नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे सुनने का थोड़ा सा मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बड़े प्रखर प्रवक्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपकी समीक्षा का मैं पूरा आदर करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अब ये ईवीएम मशीन को लेकर के इन्होंने एक ये शगुफा उठाया, ये ईवीएम मशीन क्या भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किए वोटिंग सिस्टम के अंदर? किसने करिए जरा बताइए, कौन से साल में पहले ईवीएम मशीन आई थी? केरला के एक चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन आई थी 1990s में, 1984 में इसका इन्वेंशन हुआ, और जब इनके कपिल सिब्बल जी लंदन में जाकर के वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक कोई झूठे नुमाइंदे थे, उन्होंने वहां पे उसका मुजाहरा किया कि ईवीएम मशीन में घपला होता है, आप वोट डालते कांग्रेस को मिलता कमल को है, ये लांछन अभी नहीं कई साल पहले लंदन में लिखा गया हुआ इसका कार्यक्रम, वहां पे कपिल सिब्बल जी गए, क्या हुआ, मुखी खाई उन्होंने, प्रूव ही नहीं कर पाए कि ईवीएम मशीन खराब है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में आप जो चुनाव जीते हैं वो ईवीएम की बदौलत जीते हैं? तो आप वहां पर तो आप चुप हो जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता है ईवीएम के ऊपर, जब ये मामला खत्म हो चुका है, आप बार बार ईवीएम मशीन को उठा करके बात करते हैं, कोई निष्कर्ष में तो पहुंचिए। अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है तो उसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं नहीं, कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम सारी चीजें पेश करनी होनी थी वो भी नहीं हो पाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को खारिज भी कर दिया है। इसके पहले 2018 में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हुआ था, तीनों राज्यों में आपको याद होगा कि कांग्रेस जीत गई थी, उस वक्त ये कोई सवाल नहीं उठा, कर्नाटक में जीत गई तो कोई सवाल नहीं उठता, तेलंगाना में जीत गई तो कोई सवाल नहीं उठता, पश्चिम बंगाल में जीत गई तो कोई सवाल नहीं उठता, दिल्ली में तीन बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल, कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब बीजेपी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। मेरी भी व्यक्तिगत कई सारे कांग्रेस नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे लोग सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस तो ऐसा दे जिसके जरिए ये बात हो पाए, और अगर एविडेंस हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है। सवाल सर्वे का एक और ले लेते हैं, 2024 के चुनाव में मोदी के पक्ष में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 29% लोगों ने कहा राम मंदिर, 4% लोगों ने कहा काशी कॉरिडोर, और 7% लोगों ने कहा धारा 370 मुक्त कश्मीर, 25% लोगों ने कहा विकास और रोजगार, 31% लोगों ने कहा मोदी की गारंटी, और 4% लोग ऐसे थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, क्या इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द ये चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग संकेत दे रही है? हाँ, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, बात उसकी भी हो रही है इस चुनाव में सबसे ज्यादा। मैं तो कहूंगा जो चीज की बात नहीं हो रही उसके ऊपर चुनाव हो रहा है, उसके ऊपर भारत की प्रजा पूरा वोट दे रही है, वो है विश्वसनीयता जी। नरेंद्र भाई मोदी की विश्वसनीयता लोगों के जहन में सबसे अधिक है, जिसे शायद आप लोगों ने मोदी की गारंटी कहा जी। गारंटी कौन दे सकता है जिसके ऊपर प्रजा विश्वास करती हो? और ये जब मोदी की गारंटी कहते हैं तो लोग हंसते हैं उनके ऊपर, विपक्ष वाले भले हंसे, मगर बात तो ये सही है ना कि 14 में भी और 19 में भी लोगों ने अपने हाथ भर भर के पूरे वोट दिए, कमल को खिलाया। आपको पत्रकार ही रहने देंगे, प्रवक्ता नहीं बनाएंगे। अरे भाई मेरे, आप शांति से बैठ जाइए, आप भी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको प्रवक्ता नहीं बनाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। आपके बीच में जरा भी नहीं बोलता मैं, आपके बीच में जरा भी नहीं बोलता मैं, सिर्फ सुनता हूँ। तो मैं निष्पक्ष करेंगे तो अच्छा लगेगा। जानता हूँ लोगों को,
मैं उसकी बात करता हूं, मैं आपकी तरह नहीं। तो मैं मेहरबानी करके आप शांति से बैठ जाइए, हम बड़ा आदर करते हैं हर एक राजकीय पक्ष के प्रवक्ता का, मगर अपनी मर्यादा को मत लांघिए। और इसी वजह, यही शायद वजह है मनोज जी, यही शायद वजह है कि ये लोग हर जगह पे ऐसा समझते हैं कि वो ही सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी वो ही है, बाकी कुछ नहीं। इसकी वजह से इनका इस वक्त का कोई एजेंडा भी आप लोगों पे भी बात कर लीजिए, पैक्स पे भी बात कर लीजिए, उस प्रिंसिपल रेवन्ना मलबकारी सांसद पे भी कुछ बोल दीजिए, पहलवान बेटियों पे भी कुछ बोल दीजिए, देश के विकास पे भी कुछ बोल दीजिए, महंगाई पर कुछ बोल दीजिए, नोटबंदी पे कुछ बोल दीजिए, जीएसटी से पिटे हुए लोगों पर बोल दीजिए, छोटे व्यापार पे बोल दीजिए, आर्थिक असमानता पे बोल दीजिए, देश के हालात क्या है इस पे बोल दीजिए, महंगाई पे बोल दीजिए, मगर आप जैसे हम नहीं, सी डी ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जुटला चुका है, उसी सी डी को पढ़ के बोला रहे हैं, आपको वो तक तो नहीं पता कि आपके पक्ष के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ये जो शाहजाद है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, आपके मुकेश त्यागी जी बैठे हैं संभाली हैं, तीन महीने से वो सी डी क्यों पढ़ रहे हैं, वो ही बता देंगे, हम बात नहीं करते हैं इसकी वजह ये नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बोलते नहीं इसकी वजह ये नहीं, आपका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है, आप खाली आके बैठ जाते हैं टीवी के सामने डिबेट करने को, मुद्दों पे बात कर लीजिए, आप 40-50 सीट लाके निकलिए पहले, एक बार 100 का 100 पार करके निकलिए, फिर आपको पता चलेगा कितने पसीने निकलते हैं, एक रोड शो करने के लिए बेरोजगार हो गया 83% युवा, 45 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। अजय वर्मा जो सवाल उठा रहे हैं, अजय वर्मा जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा और उस पर जवाब भी उनसे लूंगा। सर्वे का पांचवा सवाल ले लेते हैं कि जब तक जीवित हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, मोदी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हमने ये लोगों से पूछा, 73% लोगों ने कहा कि ये सही बयान है, 13% लोगों ने कहा ये गलत बयान है, 6% लोगों ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और 4% लोग ऐसे थे उन लोगों ने इस पर से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। अजय वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजय साहब, 14 की सरकार बनी, और जब 14 की सरकार बनी तो आपने नोटबंदी को बहुत बड़े तरीके से उठाया, आपने जीएसटी को भी बड़े तरीके से 19 में उठाया, आपने बेरोजगारी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया, आपने महंगाई के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया, लेकिन देश की जनता ने आपको बहुमत दिया नहीं और भारी सीटों के साथ बीजेपी को और एनडीए को सत्ता में ला, आप फिर उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। आप चूंकि अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, और जमीनी हकीकत को भी आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, जब भी आपको लगता है कि कोई जहाज डूबने वाला होता है तो लोग छोड़कर दूसरे जहाज में सवारी करते हैं। आपके कई राज्यों के लाखों कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में 3 लाख आपके नेता कार्यकर्ता छोड़कर बीजेपी में चले गए, ऐसे हर राज्य की स्थिति है। अगर आप सत्ता में आ रहे होते इन मुद्दों के जरिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपके नेता और कार्यकर्ता आपको छोड़कर जाते नहीं, क्योंकि नेता और कार्यकर्ता भारतीय राजनीति में उसी के साथ रहते हैं जिसकी सत्ता होती है। जवाब आप एग्जीक्यूटिव एडिटर महोदय, देखिए हम चाहते हैं स्वतंत्र और निष्पक्षता हो देश में, पत्रकारिता एक ऐसी चीज है चौथा स्तंभ माना जाता है, और जो अभी जो लेटेस्ट आया है 180 देशों में हम 161वें नंबर पर, एक ग्राफ है उस पत्रकारिता का फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बनाया किसने है? आप ना बोले, जरा मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा किस किसने बताया है, जो आपके लोग समझते हैं कि भारत अब भी गुलाम है, जो लोग समझते हैं भारत अब भी गुलाम है, जो लोग मतलब अगर आपको ये दिखा दिया जाए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार योजना का, उस हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है, जहां रोटी के लिए आटे के लिए मारामारी हो रही है, जो मारामारी हो रही है रोटी के आटे के लिए, उसको तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप खुश होते रहिए। सुन लीजिए मनोज मनोजी, सुन लीजिए मनोज मनोजी, हम ये चाहते हैं देश पे मुद्दों की लड़ाई हो, हिंदू मुस्लिम से बाहर की बात हो, इन इंडेक्सों का कोई मतलब नहीं। अरे भैया आप बरगलाने की झुकलाने की कोशिश आप लोग करते हो, मेरा सीधा आपसे बात, लोगों को बरगलाने की आपने शुरू किया था ना, शरद त्रिवेदी एक पत्रकार आज रायबरेली की सभा में पीटा गया है, शरद त्रिवेदी एक पत्रकार द्वारा पीटा गया है,
वो कोई आतंकवादी नहीं था शरद चतुर्वेदी। अजय साहब, अगर पत्रकार को पीटा गया तो हम उसकी निंदा करते हैं भाई। वो आतंकवादी नहीं था तो हम निंदा कर रहे हैं। अगर पत्रकार नहीं था वो भारत सरकार से पेट पैसा नहीं ले रहा था। हमारे पत्रकार को असलियत दिखानी चाह रहा था और उसको अजय वर्मा साहब, अजय वर्मा साहब आपने इस घटना का जिक्र तो कर दिया कि पत्रकार पिटा है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इंडिया न्यूज के पत्रकार से पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, ये शोभा देता है। इस पर तो कभी राहुल गांधी ने निंदा नहीं की, इस पर तो कभी कांग्रेस ने खेद व्यक्त नहीं किया। अपने आप ये बोल नहीं पाए कि नहीं बोलना चाहिए था राहुल गांधी को। भाजपा अपने आप पत्रकार की जाति पूछोगे? ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेटा है चुनाव जीतने के लिए। अरे भाई, मैं तो आपको जो घटना घटी है उसका जिक्र कर रहा हूँ, वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा। पत्रकार के फ्रीडम के लिए चैनल का अभी पीछे एक चैनल का क्या हाल हुआ था। और आप भी अगर सरकार के खिलाफ चले गए तो सरकार भूल जाएगी किसका चैनल है। हिम्मत में अगर दिखा दी आपने कोई असलियत तो सरकार भूल जाएगी। अजय वर्मा साहब, आप भूल गए पिछली डिबेट में, भूल गए आप पिछली ही डिबेट में हमने सरकार के खिलाफ कई सारी बातें की, मुद्दे उठाए और जवाब आप ही ने दिया। उस वक्त तो आप खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ मनोज जी, सब चीजें करिए, सरकार बना लीजिए, 500 सीटों से जीत के बना लीजिए। मुद्दों की लड़ाई कब होगी, बात कब होगी मुद्दों की लड़ाई? खाली हिंदू मुस्लिम इवेंट मैनेजमेंट, बस इसी चीज पे ही देश चल रहा है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी बात का सवाल तो मैं पूछ रहा था अजय भट्ट साहब से, आपने सुना नहीं? 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, उसी बात का तो मैं सवाल पूछ रहा था अजय भट्ट साहब से। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। चलिए सर्वे का छठा सवाल ले लेते हैं। सर्वे का सवाल है कि क्या मोदी के खिलाफ गाली वाली भाषा और निजी हमलों से विपक्ष को नुकसान होगा? 76% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान होगा, 18% लोगों ने कहा नहीं होगा, और 6% तो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। त्यागी साहब जवाब दे दीजिए, फिर आपकी बातों का जवाब हम वर्मा साहब से लेंगे। मुकेश जी, जवाब दे दीजिए। आपकी आवाज टूट गई थी, बताइए क्या बोल रहे हैं। सवाल मेरा यही है कि क्या मोदी के खिलाफ गाली वाली भाषा और निजी हमलों से विपक्ष को नुकसान होगा? 76% लोगों ने कहा हाँ और 18% लोग कहते हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल समझता हूं कि आज की जनता बहुत ही परिपक्व हो चुकी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने शुरुआत की थी कि मौत के सौदागर, और उसको लेकर के उन्होंने लगातार मोदी जी को गाली दी है और चौकीदार चोर है, इस प्रकार के अपने चुने हुए प्रधानमंत्री को, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को पूरे अंतर्राष्ट्रीय में उनकी गरिमा गिराई है और जनता भावुक है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। ये समझते हैं गाली देकर के प्रधानमंत्री मोदी का की गरिमा में क्षति होगी, वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मोदी वो हस्ती हैं जो कि अगर आप उन पे पत्थर फेंकते हैं तो वो उनको उठा करके एक भव्य मकान का निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। तो ये इस प्रकार की छोटे छोटे बातें करके, देखिए इनकी आलोचना की फैक्ट्री बनी हुई थी अभी तक। ये लोग जनता को बहला देते थे। अभी बात हो रही थी इकोनॉमी की, फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 इकोनॉमी बने। किसकी वजह से बने? लेकिन हमें विरासत में जिस प्रकार की इकोनॉमी मिली थी उससे देश का जो नुकसान हुआ 1947 जब चाइना का भी उसी के आसपास इंडिपेंडेंस हुआ था, उनकी जीडीपी हमसे 1975 तक कम थी। आज क्यों रहेगी? वो नेहरू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था। तो अभी उसको दूर करते करते अब एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जिसकी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट है और 2-3 साल के अंदर 3rd लार्जेस्ट होगी और 2047 में विकसित भारत के देश में आएंगे। तो ये किसका योगदान है? ये मोदी जी की नीतियों का योगदान है। ये वही राजीव गांधी हैं जो कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो देश को लूटा 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह में 9 मेगा स्कैम किए, 2G स्कैम, कोयल स्कैम। तो इनको स्कैमस्टर की आदत पड़ गई है। और ये जो है कोई खोखले, आप उसमें आप देख लीजिए जिस प्रकार से रफेल के केस में राहुल गांधी ने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के, क्यों मांगी आपने? इनका एक भी एलिगेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और ये लगातार आलोचना करते रहते हैं। तो इनको कहिए कि आलोचना करना बंद करें, देश में जो है देश के विकास यात्रा पर बैठे, हर बात पे आलोचना करने से काम नहीं चलता। सैम पिट्रोडा को देख लीजिए, अभी कलर के आधार पर आलोचना कर रहे हैं। सत्य की एक शेर सुन लीजिए कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है।
देखिए हॉल का घोटाला, हॉल HAL, पेंशन स्कीम घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट घोटाला, आयुष्मान भारत घोटाला, टॉल घोटाला, मेरे पास कैक की रिपोर्ट, भैया सुनता लो मुकेश जी, मेरे पास कैक की रिपोर्ट है, भेज दो, टॉल घोटाला, द्वारका एक्सप्रेस घोटाला, द्वारका एक्सप्रेस घोटाला, मैं नहीं कह रहा ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब आप सुन लीजिए, जो बॉन्ड जो आपने अभी चुनावी बॉन्ड खरीदवाए गए, परकला प्रभाकर तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं, और वित्त मंत्री ने पिछली बार आपको याद है कितनी करोड़ की संपत्ति दिखाई थी चुनाव लड़ने के लिए, लोगों को पता तो चलना चाहिए, निर्मला सीतारमण को टिकट नहीं दिया गया, और ये कह दिया आप, कह दीजिए कि मुझ पे पैसे नहीं है, इसलिए कि उनके पति ने आपकी पोल खोल दी, और ये कहा कि ये बॉन्ड घोटाला जो है चुनावी बॉन्ड घोटाला संसार का भ्रष्टतम घोटाला है, और नरेंद्र मोदी को इसकी सजा मिलेगी, सरकार को इसकी सजा मिलेगी। आप पोल्टिन लॉटरी किंग से आपने 1400 करोड़ का चंदा लिया, लॉटरी अलाउ कर दी, रेड्डी जो जो दवाइयों वाला था उससे चंदा लिया, उसको जेल से छुड़वा दिया, आधार पूना वाला कोविशील्ड वाला अपना फोटो हटा लिया, जो फोटो आ रहा था कोविशील्ड में लगा हुआ, आखिर मन में चोर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी फोटो क्यों हटाते? अरे भाई जो मौत हो रही है कोविड से उस पर भी आपका फोटो लगना चाहिए, मैंने तो जब भी मांग करी थी। अब आप जो कह रहे हैं देश में कि आखिर ये क्या चल रहा है, आप मुद्दों पे लड़ाई करके सरकार नहीं बना सकते, आप 400 हार रहे हैं, अब पहले तो हमें उम्मीद थी आप 150 पाएंगे, अब 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन आप क्योंकि आपके पास साधन है, बातें आपने उठाई हैं, अजय जी जो बातें आपने उठाई हैं बड़ी गंभीर बातें हैं, और आपने कहे इतने सारे घोटाले हो गए, तो ये मान लिया जाए कि सीटें असल में बीजेपी की 400 नहीं आ रही हैं, सीटें आपकी 400 आ रही हैं। सर ये गठबंधन की सीटें आ रही है, भारत के देवतुल्य वोटर की देन है, देखिए 400 आ रही है आपकी, हम लोग तो सरकार बना रहे हैं भाई, आपकी 400 आ रही है क्या, हम 400 हरा रहे हैं, हमारा गठबंधन हमारे सारे सहयोगी 400 से ज्यादा जीत रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, मतलब आपके सहयोगी 400 से ज्यादा जीत रहे हैं, नोट कर लीजिए आप हिमांशु जी, आप नोट कर लीजिए, इनके सहयोगी 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, देश प्रधानमंत्री जी देखिए हर एक ख्याल ही पुलाव पकाने की अभी 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 दूसरी बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, इस मामले में स्वतंत्र है और वो सुन लीजिए ख्याली पुलाव पका सकता है। अरे त्यागी जी अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे भाषा शैली के ऊपर आके आप बोले कि हमने 400 के किसी भी नेता ने तो हम मानेंगे, कांग्रेस के नेता तो प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस की जर्सी गाय, मुद्दों की बात कर सकते हैं, डंडा बरसवाया गया जो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, चर्चा तो आपने फोटो खिंचवाए और सुरक्षा मांगने के नाम पे उसके खिलाफ मुकदमा करने के नाम पे आप मॉले स्टेशन में फटे हुए एमपी के फेवर में बोलते रहे, उनकी जवाब और दे रहा था अभी मुकेश जी का जो भाषा शैली कह रहे थे, बताइए वो शैली का सुन लीजिए, एक मिनट राणा जी आपने बहुत लंबा भाषण दे दिया आपने, मैं ये कह रहा हूँ देखिए सबसे बड़ा जो बुनियादी प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है जो मैं समझता हूँ आपके सर्वे ने कवर नहीं किया है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई ऐसा विकल्प है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्थापित कर सकता है, इनकी इनके वक्तव्य आते हैं कि हम 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसमें कभी राहुल गांधी होंगे एक साल के लिए, फिर अखिलेश यादव होंगे, फिर ममता बनर्जी होंगी, इस प्रकार से मतलब इनके 4-5, तो ये जो म्यूजिकल चेयर है जो जिस प्रकार बोलो, का देश का उपवास जोर से बोलो, प्रश्न है एक मिनट कभी टूट बोलो, रोज बोलो, गंभीर प्रश्न है, सुनिए एक मिनट बोलो दीजिए, देश के आगे सबसे केंद्र बिंदु प्रश्न ये है क्या इतने बड़े देश 140 करोड़ देश का संचालन इस प्रकार के लोग कर सकते हैं जो आपस में ही नहीं जुड़ चुके, अजय जी जवाब दे दो, आपस में दे रहा हूं सब, दे रहा हूं, अजय जी ने उंगली कर दी, हां अजय जी दे दीजिए, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है, ये इधर उधर की बातें करते रहे, इस प्रश्न का जवाब दे कौन है, तो बिल्कुल मोदी की उंगली खड़ी हो रही है, जवाब दे दीजिए मोदी की छवि के साथ, आडवाणी साहब को हटा के, आडवाणी साहब में क्या योग्यता नहीं थी, रथ यात्रा उन्होंने से करी देश के, डिप्टी पीएम ने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, अब भैया सुनता नहीं है, आपकी क्या जवाब दे रहा हूं मैं,
कौन है कैंडिडेट? हमारे गठबंधन ने कभी नहीं कहा कि पांच प्रधानमंत्री बनेंगे। आप झूठ की दीवार है। केजरीवाल जी ने ये कहा है कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही है। मोदी जी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। मोदी शाह जी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे। फिर राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बने या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने। अजय वर्मा साहब इसी का नाम तो बीजेपी है। जब बीजेपी को समझ में आ गया कि अडवाणी जी के चेहरे पर हम सरकार नहीं बना सकते तो उन्होंने अपना चेहरा बदल दिया। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्होंने नरेंद्र मोदी को दे दिया। लेकिन आपके राहुल गांधी तो हटने को तैयार नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कहा है, जो कभी आपके चुनावी सलाहकार होते थे, प्रशांत किशोर ने यह कह दिया कि भैया इस चुनाव में अगर कांग्रेस की हार हो जाए तो कम से कम अब तो राहुल गांधी को हट जाना चाहिए पीछे। पहली बार तो ये जीत नहीं रहे और जीत गए तो राजनाथ सिंह है प्रधानमंत्री का, उन्हें बनाएंगे। नितिन गडकरी है, अमित शाह जी है, तैयारी कर रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री, पूरी पार्टी में केवल पार्टी छोटी हो गई है और मोदी जी बड़े हो गए हैं। अधिनायक बात देंगे हिमांशु साहब, बीजेपी की रणनीति भी के चेहरा कौन होगा, किसे होना चाहिए, वो कांग्रेस बना देगी रणनीति क्या? नहीं, अमित शाह जी को देख रही है, प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है और अमित शाह को ही प्रधानमंत्री बनाना। हिमांशु जी संक्षेप में इसी पर एक मिनट की आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। भैया तैयारी में कुछ नहीं तो आपका मतलब संचालन ठोस नहीं है। हिमांशु जी संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। एक बार हिमांशु जी को सुन ले। अभी लोकशाही के का मामला है, भारतीय लोकशाही के कायदे हम बदलने जा रहे हैं। एक संविधान पास करेंगे हम, भारतीय लोकशाही के कायदे बदलेंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा वो विपक्ष तय करेगा, बराबर है? लोग नहीं तय करेंगे, विपक्ष के नुमाइंदे तय करेंगे कि सत्ताधारी पक्ष का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। ए बी सी डी विपक्ष जो बताएगा उसको प्रधानमंत्री बने, ये हम भारतीय समुदाय बताएंगे। यही बात कर रहे हैं मान ली, शेर सुन लीजिए भैया मेरे, आपके पास आज ही के दिन में आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है राणा जी। आपके नेता उत्तर नहीं है यहाँ पर। ममता बनर्जी ने आकाश पाता लेकर दिया। आप यहाँ पे छह हो गए। मेरी बात सुन लीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं। सच बात राणा जी, ममता बनर्जी ने आज संक्षिप्त में जवाब दीजिए। आप जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप तो आप जा रहे हैं। बात बहुत दूर तक निकल गई, कुल मिलाकर ये तमाम सर्वे थे, उस पर लोगों की अपनी राय थी। शुक्रिया करूंगा अजय जी का, शुक्रिया करूंगा मुकेश त्यागी साहब का, और शुक्रिया मैं करूंगा हिमांशु भट्ट साहब का, जो इस पूरे